नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है अफगानिस्तान से, जहां पर राजधानी काबुल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 150 भारतीयों को तालिबानी लेकर कहीं चले गए हैं। अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि उनको कहां ले जाया गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की काबुल से मिल रही है। इसमें ज्यादातर भारतीय नागरिक बताए जा रहे हैं। स्थानीय मीडिया ने भी इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अपहरण किए गए ज्यादातर लोग भारतीय हैं, लेकिन उनके साथ अफगान नागरिक और अफगानिस्तान में रहने वाले सिख भी शामिल हैं। इन सभी लोगों को काबुल स्थित हामिद करजई एयरपोर्ट के पास से अपहरण कर लिया गया है और उठा ले गए हैं। इन सभी लोगों को आज सुबह काबुल स्थित हामिद करजई एयरपोर्ट के पास से अपहरण किया गया। सूत्र बताते हैं कि अफगानिस्तान के स्थानीय मीडिया काबुल नाव को बताया कि वो पत्नी और कुछ अन्य लोगों के साथ किसी तरह से बचकर वहां से भागे हैं। भगदड़ का माहौल है। इस भगदड़ के माहौल में एक बच्ची की जान चली गई है। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की अफगानिस्तान से मिल रही है, जहां काबुल में करीब 150 भारतीयों को तालिबानी उठा ले गए हैं, लेकिन कहां ले गए हैं इसकी कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। स्थानीय मीडिया की अगर बात करें तो स्थानीय मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि कर ली है। करीब 85 भारतीय बताए जा रहे हैं, 150 में से अफगानिस्तान से। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, वायुसेना के विमान से लाए जा रहे हैं 85 भारतीय। ये भी अपडेट मिल रहा है, बहुत बड़ी जानकारी, 150 लोगों को तालिबानी जो है वो अपने साथ ले गए हैं। वो कहां है, कहां लेकर गए हैं, ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो लोगों को नॉर्थ गेट से बाहर लेकर तालिबानी निकल गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। आपको बता दें कि तालिबान का आतंक अफगानिस्तान में लगातार बरकरार है, लेकिन ऐसे में भारतीय नागरिकों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत सरकार आगे क्या एक्शन लेगी, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। ये बहुत बड़ी जानकारी अफगानिस्तान से मिल रही है, जहां पर करीब 150 लोगों को तालिबानी ले गए हैं। कहां लेकर गए हैं और किस रास्ते लेकर गए हैं, इस पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन वहां की स्थानीय मीडिया ने इसकी पुष्टि की है कि हाँ, तालिबानी जो लड़ाके हैं वो करीब 150 लोगों को लेकर चले गए हैं। उनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं, कुछ औरतें भी शामिल हैं, कुछ नौजवान भी बताए जा रहे हैं। इसी बीच वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। अफरा तफरी के बीच एक मासूम बच्ची की जान चली गई है। ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि तालिबान लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और अपना अच्छा होने का जो नाटक है उसकी पोल खुलती हुई इस खबर से दिखाई दे रही है। जिस तरह से तालिबान लगातार कह रहा है कि वो अब आगे बढ़ेगा, महिलाओं को स्वतंत्र करेगा, महिलाओं को आजादी होगी, वहां के लोगों को आजादी होगी, लेकिन जिस तरह की तस्वीर आज सामने आ रही है उससे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तालिबान जरा सा भी बदला है। ये 21 साल पहले वाला तालिबान ही है। 150 लोगों को लेकर अचानक तालिबानी लड़ाके जो है वो गायब हो जाते हैं। कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है कि ये मासूमों को कहां लेकर गए हैं। अफरा तफरी का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफ का मंजर लगातार हर ओर काबुल में नजर आ रहा है। इस बीच भगदड़ है और भगदड़ में एक मासूम बच्चे की जान चली गई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की अफगानिस्तान से मिल रही है। भारतीयों को सुरक्षित जगह ले गए हैं तालिबान की तरफ से, अपडेट आ रहा है। तालिबान का दावा है कि 150 लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। आपको बता दूं कि इसमें कई अफगानिस्तानी सिख भी शामिल हैं। ये वो भारतीय हैं जिन्हें वायुसेना के विमान से वापस भारत लाना था, लेकिन बीच में ही जो तालिबानी लड़ाके हैं वो इन भारतीयों को ले गए हैं। लेकिन तालिबान ये दावा कर रहा है कि 150 लोगों का अपहरण नहीं किया है, उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी, 150 भारतीयों को एयरपोर्ट के अंदर ले गए हैं तालिबानियों की तरफ से। यह बड़ी जानकारी मिल रही है काबुल एयरपोर्ट से इस वक्त की, बहुत बड़ी जानकारी। पहले जानकारी मिल रही थी कि तालिबानी जो है पता नहीं इन लोगों को कहां लेकर गए हैं, लेकिन तालिबानियों की तरफ से ये जानकारी मिल रही है। ये वो दावा कर रहे हैं कि उन्हें एयरपोर्ट के अंदर सुरक्षित लेकर गए हैं, लेकिन तालिबान पर कितना विश्वास किया जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से अचानक तालिबानी लड़ाके आते हैं, इतने सारे लोगों को अपने साथ ले जाते हैं, ऐसे में खौफ का मंजर है, लोग डर के साए में जी रहे हैं। भारत की भी चिंता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसमें ज्यादातर भारतीय हैं, अफगानी सिख भी बताए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अब वतन वापसी करनी थी। भारतीय वायुसेना का विमान इन्हें लेने के लिए जाएगा और उनकी वतन वापसी होगी, लेकिन उससे पहले इतनी बड़ी यह घटना हो गई है। फिलहाल
दूसरे गेट से 150 भारतीयों को तालिबान ने निकाला है और तालिबान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि एक सप्ताह हो गया है तालिबान का आतंक जो है अफगानिस्तान में लगातार बरकरार है। कभी वो लोग फायरिंग कर रहे हैं, कभी महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, कभी पुरुषों को प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो लगातार तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत के साथ वो संबंध अच्छे बनाना चाहता है और आगे भी संबंध वो अच्छे रखेगा। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की अफगानिस्तान से मिल रही है। तालिबानी जो लड़ाके हैं वो करीब 150 लोगों को अचानक वहां से लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। कहां लेकर गए हैं कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। लोगों को कहां ले जाया गया इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन तालिबानी ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। तालिबान ने कुछ भारतीयों के साथ मारपिटाई भी की है, ऐसा भी अपडेट आ रहा है सूत्रों के हवाले से। बड़ी जानकारी, अफगानी हिंदुओं और सिखों के साथ मारपिटाई की गई है। जहां एक तरफ तालिबान ये दावा कर रहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर इन लोगों को पहुंचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि उन भारतीयों के साथ मारपिटाई की है तालिबानियों ने और वहां जो अफगानी सिख है उनके साथ भी मारपिटाई की गई है। 150 भारतीयों को एयरपोर्ट के अंदर ले गए तालिबान का यह दावा है। तालिबान का दावा है कि भारतीयों को अगवा नहीं किया गया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो यहां एक छोटे से ब्रेक के लुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।